एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए एक वेरी मतलब बहुत अच्छा वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो। सो मेरे सारे चीज अनबॉक्स हो चुके हैं ना? हाँ, सारे चीज अनबॉक्स हो चुके हैं, मतलब मेरी डॉल अनबॉक्स हो चुकी है। मैं आप ही के साथ की थी, मेरा वीडियो जरूर देख लेना, वो वाला अनबॉक्सिंग गिफ्ट अनबॉक्सिंग में से ही सब सामान मैं अनबॉक्स की हूँ। तो गाइस इसको बताती हूँ, आप तो ऐसे टाइटल देख के भूल गए होंगे, मेरा डॉल अनबॉक्सिंग और किचन सेट अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग गिफ्ट्स वाला वीडियो देख लेना। और ये भी लास्ट गिफ्ट है जिसका अनबॉक्सिंग बाकी है। और मेरे मम्मी पापा का गिफ्ट ना, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बाद में आएगा थोड़े दिन, तो देखते हैं थोड़े दिन बाद में आएगा, कहीं से ऑर्डर किए होंगे तभी थोड़े दिन बाद में आएगा। तो या और मेरी नानी का भी गिफ्ट है, जब मेरे मामा आएंगे तो लेके आएंगे, वो ओडिशा में है, मेरी नानी ओडिशा में रहती है। तो पहले मैं दिखा देती हूँ, जो आपको पता चल जाएगा टाइटल में देखे कि क्या अनबॉक्स करने वाली हूँ आज मैं। अपने गिफ्ट में से लास्ट गिफ्ट कौन सा बचा है? डॉम्स चैंपियंस गिफ्ट। वैसे मेरे पास था पहले, मतलब ये मेरे लिए सही है, मेरे पास ये था। देखते हैं इसमें अलग अलग सामान है या मेरे तरह सामान है, अभी तो मैंने खोला भी नहीं है। गाइस मैं अभी पूरी दिमाग में कुछ आया, गाइस देखो यहाँ से भी तो खोल सकते होंगे, काटने की जरूरत नहीं पड़ सकती। अरे नहीं खुलता, मुझे लगा खुलता होगा यहाँ से, नहीं खुलता। गाइस इसको हमें कट ही करना पड़ेगा, तो कट का कहाँ से लिखा है देखो, आपके साइड से खोलती हूँ, यहाँ से कट इट है। गाइस कट करते हैं इसको। गाइस कट हो चुका है, ये निकल चुका है इसमें से। तो या गाइस मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ इस डॉम चैंपियन किट को। बच्चों के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, ऐसे अच्छा चीज होता है इसमें। देखो इसको खोलेंगे यहाँ से, अब तो खुल जाएगा। अरे भाई रुको, गाइस ये अभी खुल तो रहा है लेकिन थोड़ा सा इसको भी काट ही देते हैं, बिकॉज अच्छे से नहीं खुल पा रहा है इतना, काट देते हैं। करना तो यूज ही है ना, तो काट कितना भी दो यूज तो करना ही है। तो गाइस यार इसको अब यहाँ से हम अनबॉक्स करेंगे, यहाँ से ये खुल गया। यस, तो इसके अंदर बहुत सारे सामान है, जो कर्स ने मेरे को दिया था। गाइस इसके सामान सारे मैं साइड में निकाल दी हूँ, मैं सब आपको दिखाती हूँ इसमें रखते जाएंगे। तो गाइस पहले तो ये मुझे वैक्स क्रेयॉन्स मिले हैं डॉम्स के, जो मेरे पास थे उसमें भी मिले थे, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाया था। गाइस देख सकते हैं मेरे पास पहले जो था मैंने पापा खरीदे थे, मेरा सेकंड डॉम्स चैंपियन किट है। ये डॉम्स के वही वैक्स क्रेयॉन है, 15 रुपए के जो आते हैं। खुल जाओ, खुलो भाई। अब एक और बचा है स्कूल वाला, जिसमें मैं पेन जो मिला और पेंसिल बॉक्स जो मिला वो यूज करना है, और ये सब सामान। तो मैंने सोचा यही अनबॉक्स करते हैं, ये सब सामान के साथ ही करेंगे स्कूल वाला। तो देख सकते हैं ये बहुत क्यूट है ये सब सामान, ये देखो आप सब देखो ये सब, वाओ देखो कितने सुंदर कलर्स हैं गाइस इसमें, है ना। इनको मैं ट्राई आपको स्कूल वाले में दिखाऊंगी, स्कूल जब टीचर्स टाइप ऑफ टीचर्स करेंगी। तो गाइस इसको रख देते हैं, तो कलर्स है वो, एंड मेरे पास तो कलर्स एक और है, तो मैं पहले कलर्स खत्म कर देती हूँ। ये लास्ट कलर्स मिला इसमें, ये है वाटर कलर पेन्स, वाटर कलर पेन्स जो मुझे पहले भी मिला था, ये 15 रुपए का होता है, पहले भी मिला था, मैं बचपन में भी बहुत यूज़ कर चुका हूँ। ये वाला जो वैक्स क्रेयॉन है ना, डॉम्स का वैक्स क्रेयॉन तो मैं बहुत यूज़ की हूँ, ऐसा डिब्बा वाला नहीं यूज़ की हूँ, ये दूसरे बार है। ये वाला तो मैं यूज़ की हूँ, ये वाला दूसरे बार है, क्योंकि मेरे पास दो इकट्ठे हो गए, एक पहले वाले के एक इस वाले के, मैं ऐसा कभी नहीं खरीदती। बस ये 15 रुपए का है, जो मैं इससे लंबे लंबे वाले भी यूज़ करती थी, बट ज़्यादातर जैसे समर वेकेशन में ना ख़त्म हो जाते थे तो 15 वाले लेती थी, ख़त्म हो जाते थे फिर स्कूल खुलते थे तो नए ले लेती थी बड़े बड़े वाले। देखो इसमें इतने सारे कलर आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इनके कलर,
डॉम्स के ना इसीलिए गाइस वैक्स क्रेयॉन ना बहुत डार्क होते हैं, इतने डार्क कि मैं क्या बताऊँ आपको। और स्केच पेन तो स्केच पेन की तरह होता है, ये देखो ये जो उसके अंदर से निकला, पता है कैसे हो रहा था, देखो ये ऐसे हो रहा था, ये ना खुल ही नहीं रहा था, अब जोर लगाई बहुत तो खुल गया, लेकिन उस टाइम ऐसा करती तो फट ना जाता। छोड़ो गाइस, उत्कर्ष का गिफ्ट बहुत अच्छा है, सर उत्कर्ष ने गिफ्ट दिया, बट थैंक यू उत्कर्ष। तो इसमें नेक्स्ट मैं आपको क्या दिखाती हूँ, स्केल दिखा देती हूँ, अब तो सारे पढ़ाई लिखाई वाले कलर्स को छोड़ के हैं। ये स्केल है जो मेरे को फिर से सेकंड बार मिला है, और मैं डॉम्स का स्केल भी यूज़ करती हूँ, तो मेरा बहुत बार हो गया है। डॉम्स चैम्पियन किट तो सेकंड बार मिला है, तो ये भी सेकंड बार डॉम्स चैम्पियन किट का मिला है, और मेरे पास है पता नहीं कहाँ गया लेकिन डॉम्स चैम्पियन किट का तो सही है मेरे पास। पापा जो पेंसिल बॉक्स दिए हैं ना, मैं आपको दिखाई भी थी उस वीडियो में खोल के गाइज, अभी आपको चलो कुछ तो सरप्राइज हो जाए। देखो ये डॉम्स की स्केल, इसको निकाला जाता है ऐसे, चिपका तो नहीं दिया उत्कर्ष ने ग्लू से, लेकिन फिर ये ऊपर का येल्लो येल्लो कहाँ से लगाता जब मैं फाड़ डाली। ये देखो ये देखो ये देखो निकल गया। और गाइज मैं आपको बोल दे रही हूँ, स्केल को आप संभाल के रखा करो, बिकॉज आप इसको यूज़ करोगे फिर ये गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो मतलब आप स्केल यूज़ करो, ऐसा तो नहीं है कि उसको रख के आरती उतारोगे, तो स्केल यूज़ करो, बट उसको फिर ना जैसे वो आया होगा पन्नी वाले स्केल ज़्यादा लिया करो, अगर बाई चांस आ गए तो चलेगा वैसे ही यूज़ कर लो, बट पन्नी वाला तो उसके अंदर घुसा के यूज़ करना, जब भी करोगे तो निकाल लेना, जैसे मैं भी इसको वैसे करूँगी यूज़, निकालूंगी फिर इसके अंदर डाल दूँगी जब हो जाएगा। तो अभी इसको रख देते हैं, ये 5 to 10 रुपीज़ का आ जाता है, 5 to 10 नहीं 5 से तो नहीं आता, 10-15 रुपये का आता है। देन इसमें ये डॉम्स की पेंसिल्स हैं जो मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, और मुझे पिछले वाले में भी मिला था चैम्पियंस किट में। ये नियॉन की इसमें देखिए 4-5 सेट्स होते हैं, ऑरेंज ग्रीन पिंक ब्लू एंड येलो। और ये डॉम्स की रबर टिप्ड ग्राफिक पेंसिल है, नियॉन है, नियॉन सेट, सॉरी मेरे पास डॉम्स की नियॉन एक और है, दो डिब्बी मेरे पास नियॉन वाली थी, अब ये तीसरी डिब्बी हो गई क्योंकि मेरे पास पहले से है, मेरे पास नो शायद है, एक ही है यार शायद, पता नहीं कितने हैं। और ये देखो ये इतने क्यूट हैं, देखो एक ये दोनों इधर चले गए हैं पीछे से, गाइस इसका शार्पनर देखते हैं हम लोग। मेरे को तो जितने बार भी मिला है ना, क्रिस्टल का ब्लू वाला ही मिला है, और दिखाता लोग पर्पल वाला है, देखो यहाँ पे पर्पल दिखा रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है कैमरा में, ब्लू दिख रहा है पता नहीं क्यों, पर्पल शार्पनर है लेकिन इसमें दिखा रहा है। खोलते हैं इसको, देखते हैं कौन सा कलर का शार्पनर है पीछे से। गाइस फिर से नो यार, देखो ये फिर से ब्लू वाली है डॉम्स की क्रिस्टल, जो 5 रुपए की पड़ती है, इसका डिब्बा बहुत टाइट होती है, और बाप रे डार्क ब्लू मिला है पहली बार मुझे, डार्क ब्लू मेरे को कभी नहीं मिला, मुझे स्काई ब्लू वाला मिलता है, बट पेंसिल तो सही है, यूजफुल है, मैं पेंसिल स्कूल खुल जाए जल्दी से, अभी तो पुरानी पेंसिल पड़ी पड़ी जो होती है वो यूज़ करती हूँ मैं, सामान इतना सारा इकट्ठा, पता एक दो बाल्टी लाओ तो ना मेरे सामान नया नया सब इकट्ठा हो जाएगा उसके अंदर स्कूल के लिए, उससे ज़्यादा बाल्टी चाहिए होगा बल्कि मेरे को हंसी रुक नहीं रही। चलो या तो ये दो इरेजर वाले बच्चे हैं, मैं गिरा देती गाइस। मेरे पास पिछले वाले डॉम्स चैम्पियन किट में मेरे को ग्रीन सेट मिला था, डीप ग्रीन, और इसमें मुझे येलो मिला है, मुझे नहीं पता कि मेरा फेवरेट कौन सा है, मैं उसके कलर्स देखी ही नहीं हूँ। हाँ पता है मुझे, येलो रहता है, ग्रीन रहता है, रेड रहता है और ब्लू रहता है। तो मेरे को ग्रीन और मुझे रेड चाहिए था, मुझे लग रेड नहीं, मतलब रेड होता तो अच्छा लगता, मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया, बस मैं चैम्पियंस किट में देखा था जो पापा खरीदे थे, और ये वाली गाइस मैं उसमें से देखी थी, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, डॉम्स की एम्प्टी चीरेजर, देखो ये स्ट्रेच भी हो जाती है, बर्तन धोने वाले साबुन की तरह लग रही है ना, नहाने वाले बर्तन धो लो इससे, मुंह धो लेते हैं।
ये कितने की पड़ती है ये नहीं पता, मैं पहले वाले में नहीं देखी थी। 10 रुपए की पड़ती है। वाओ, 10 रुपीज, सही है, सस्ती है। बड़ी इरेजर है विथ डिब्बी है। इरेजर हो मैं यूज करूँ या ना करूँ, डिब्बी तो जरूर यूज करूंगी, बहुत क्यूट है डिब्बी। डिब्बी देखो गाइस, सारे सामान खत्म हो गए, बस एक ये बाकी है। कहाँ गया मेरा गाइस? मेरे को पहले ना त्रिकोण अजीब सा कोई शेप में, मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, अजीब सा शेप में मिला था, और ये ट्रायंगुलर शेप का है। डस्ट कलेक्टर साहब ने यहाँ पे इरेजर होता है दो, वो भी ऑरेंज कलर का था गाइस, ये भी ऑरेंज है, और ये रहा शार्पनर। गाइस मुझे ये वाला बहुत पसंद है। तो गाइस मेरे पास 2 कलेक्ट हो गए ना, तो इनमें से एक को ही मैं यूज़ करूँगी अपने ट्यूशन में, एक स्कूल के लिए रख दूंगी। वैसे मन तो करते सब स्कूल में रखने के लिए, लेकिन सब स्कूल में रखेंगे तो अपना टाइम कब आएगा अगर स्कूल ही नहीं खुला तो। गाइस मेरा टकाटक पे भी, अगर आपके पास टकाटक है तो मेरा चैनल उसमें देख सकते हो आप जाके, सनालम है। चिप्स खा ली आप देख सकते हो मेरे चैनल में जाकर। लेस का ऑरेंज फ्लेवर बहुत पसंद है। तो बाय गाइस, मैं मिलती हूँ आपको किसी और दिन किसी और ट्विस्टेड वीडियो में। बाय।